इस वीडियो पे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। ये इंस्ट्रूमेंट्स वी ऑल नो बहुत डेट सारी है, मेनी नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। याद करते करते ना कभी कभी भूल जाता है, क्योंकि हम लोग याद कब करते हैं, एग्जाम के पहले करते हैं ना। सो टच में नहीं रहने के कारण से कभी कभी हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम के समय पे बिल्कुल जो याद थे ना, अच्छे खासे जानते थे, वो भी भूल जाता है। तो इसलिए इस वीडियो बनाया है इंस्ट्रूमेंट्स कंपैरिजन। सो दो दो इंस्ट्रूमेंट इकट्ठा कंपेयर करके रहेंगे तो याद आएगा, कुछ तो कुछ याद आएगा। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू सी ऑल ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट्स वीडियोस। सो लेट वी मूव ऑन, दिस इज पार्ट वन। सो ये इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? सिंस वेजनल स्पेकुलम। कभी कभी पार्ट्स पूछा जाता है, तो इन दैट वे आपको कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड एज अ कॉनकेव ब्लेड, बिकॉज इट इज कॉनकेव, राइट? गड्ढा टाइप है ना, ये शाफ्ट है जो जहाँ भी पकड़ते हैं उसको शाफ्ट कहते हैं। एंड दिस इज अ ग्रू जो इनर पार्ट है, राइट? ओके, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज कस्को स्पेकुलम कहते हैं। सो ऐसे ही पार्ट्स पूछा जाएगा, यूजली दे वोंट आस्क यू, बट स्टिल यू शुड नो इट कॉन्फिडेंट आने के लिए ना। दिस इज एन एंटीरियर ब्लेड एंड दिस इज अ पोस्टीरियर ब्लेड, ऊपर है ना ये नीचे है, राइट? ये फिक्सेशन स्क्रू, ये हैंडल है। ओके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस वन? सिंस वेजनल स्पेकुलम की ये है, इट इज अ सेल्फ रिटेनिंग डबल ब्लेडेड वेजनल स्पेकुलम यूज टू एग्जाम द वेजिन एंड सर्विक्स, दोनों चेक किया जाता है, ठीक है? जब भी डीएनसी वगैरह होता है, डीएनई होता है, तो इसको क्या करेगा, वेजन में डाल के उसको नीचे छोड़ देगा। सो दैट इज वाई दिस इज सेल्फ रिटेनिंग स्पेकुलम कहता है। तो सेम थिंग हियर ऑल्सो, दिस इज कस्को स्पेकुलम है, दिस इज अ डबल ब्लेडेड स्पेकुलम यूज ड्यूरिंग अ गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन टू एग्जाम द वेजन एंड सर्विक्स। हाउ इट इज बीन डन? इस पार्ट को यहाँ पर पूरा उसको सेलिकन जल्दी से उसको लगा कर उसको वेजना में डाल देगा। तो डालने के बाद तो यहाँ से एक पैप स्मियर सुना होगा, तो यहाँ पर स्टिक लगा के वो सर्विकल स्मियर ले लेता है। सो दिस इज व्हाट द पर्पस ऑफ दिस इन कस्को स्पेकुलम। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज सिंस एंटीरियर वेजनल वॉल रिट्रैक्टर। सो इसका पार्ट्स देख लो। सो लुक एट दिस पार्ट, दैट इज व्हाई आई हैव पुट दिस इमेज। ये ट्रांसवर्स सरेशंस है, मतलब अप एंड डाउन, इट इज नॉट सॉफ्ट, राइट? इधर से शाफ्ट इज अ वे यू होल्ड इट। लूप मतलब जो काली जगह है, इट्स लाइक एम्प्टी स्पेस, राइट? सो व्हाट इज दिस देन? ये भी दोनों एक ही तरह दिख रहे हैं ना। ओके, एंड दिस इज नथिंग बट इट्स कॉल्ड इज अ यूट्राइन क्यूरेट। ओके, सो लुक एट दिस शाफ्ट, दिस इज वेरी सॉफ्ट एंड नीट एंड टाइडी। बट यहाँ देखो इसका लूप, इसमें भी लूप है, दिस इज कॉल्ड एज एक्चुअली लूप। बट बात यह है, यहाँ पर देखेंगे स्मॉलर है एंड दिस इज अ ब्लंट एंड लार्जर एंड। सो व्हाट आर द एक्शन ऑफ दिस, लेट मी नो अबाउट इट। सो जो एंटीरियर वेजिनल वॉल रिट्रैक्टर जो होता है, इट अलाउज ईजी विजुअलाइजेशन ऑफ द सर्विक्स एंड वेजाइना। स्पेशली डीएनसी करते समय में क्या करेगा, इसको जस्ट लाइक अ रिट्रैक्टर काम करेगा एंड दे विल होल्ड इट एंड यू विल बी एबल टू सी द सर्विक्स एंड द वजना वेरी प्रॉपरली। सो व्हाट डज दिस यूट्राइन क्यूरेट डू? यूट्राइन क्यूरेट स्क्रेप करता है। देखो ये ब्लेड जैसे है ना, ये वाला जो शार्प है, ये क्या करेगा, यूट्राइन में जो भी जो प्लासेंटा चिपका है, जो भी है, उसको पूरा वो स्क्रेप करके निकालेगा एंडोमेट्रियल कैविटी से, उसको साइड से निकाल के, और वो एंडोमेट्रियल सैंपल्स को फॉर्मेलिन में डाल के वो वहाँ पर हिस्टोपैथोलॉजी में भेजेगा, उसमें क्या है क्या नहीं चेक करवाने के लिए। सो व्हाट इज दिस? दिस इज बैंडेज सिस्टिस। ओके, व्हाट इज दिस देन? दोनों एक ही तरह दिख रहे हैं ना, फाइन, दिस इज कॉल्ड एन एपिसोटोमी सिस्टिस। ओके, बैंडेज सिस्टिस मतलब बैंडेज को कट करना, दिस इज सिंपल, राइट? बट यहाँ देखो इसको टिप देखो, बस इतना ही डिफरेंस है, इसको टिप देखो, दिस इज ब्लंट, क्योंकि ये वाला जो साइड है ये अंदर वेजाइना के अंदर में जाएगा। ओके, सो एपी मतलब व्हाट इज दैट? एपी इज स्किन, ऊपर एपिडर्मस है ना, और ऑस्टमी का मतलब है, ऑटमी मतलब इस इंसिशन, सर्जिकल इंसिशन को कहते हैं, राइट? सो एपिसियोटोमीसिस का मतलब जब भी वहाँ डिलीवरी होते समय में, जब बेबी का हेड बाहर निकल के आ रहा है, क्राउनिंग होते समय में, वहाँ पर इसको सिजर के अंदर डालेंगे, कटेगा, तो एपिसियोटोमीसिस कहते हैं। ओके, द यूज ऑफ द बैंडेज सीजर इज यूज फॉर साइजिंग
ड्रेसिंग्स मतलब कितना साइज होना चाहिए वो तब हम कट देंगे, है ना। रिमूविंग द सर्कमफरेंशियल बैंडेजेस, सर्कमफरेंशियल मतलब जो साइड में जो सर्कमफ्रेंस का मतलब है सर्कल है ना, तो उस प्रकार की बैंडेज कहीं भी है तो उसको काट के उसको निकलने के लिए हेल्प करता है। नॉट ओनली दैट, प्लास्टर को भी कट करता है, फैब्रिक को भी, फैब्रिक मतलब कपड़ा को भी वो कट देता है। ओके, एपिसोटमी सीजर क्या करता है? एपिसोटमी लगाने के लिए हेल्प करता है, वो भी ड्यूरिंग द लेबर एंड द डिलीवरी। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू दिस यू कैन कमेंट बिलो।